जेठमलानी जी और अरुण जी दोनों एक ही मूल रूप से प्रोफेशन के थे, लेकिन एक दूसरे के बड़ा विरोधी भी थे। अरुण जी तो नहीं करते थे विरोध, लेकिन जेठमलानी जी जरूर हमला करते थे। लेकिन दुखद बात यह है कि अरुण जी बहुत जल्दी चले गए और लोगों की तो उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन अरुण जी बहुत जल्दी गए। और अरुण जी को हमेशा हम याद करेंगे। हमने इस कुर्सी पर भी बैठे देखा उनको, इधर भी बैठे देखा, मंत्री के रूप में भी देखा, और एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही सालीन थे, उदार थे। और कभी ऐसा नहीं होता था कि जब लंच होता था तो उनके कमरे में जाएं तो कम से कम 10 लोग खाना खाते होंगे। एक बार मेरे पेट में दर्द हो गया, अभी भर्ती रहा मैं एम्स में, किसी ने या नरेश अग्रवाल ने मामला उठा दिया, खिचड़ी खा ली पार्लियामेंट की, रामगोपाल बीमार हो गए। तो हमसे बोले तुम क्यों खाते हो सेंट्रल हॉल में, मेरे यहाँ रोज़ घर से खाना आता है, आप यहाँ खाना खाया कीजिए। मैं एक दिन ऐसे ही चला गया तो मैं आश्चर्यचकित था कि वहाँ कम से कम 15 लोग खा रहे थे खाना, और आम तौर पर ऐसा था। और बहुत अच्छे थे, सेंट्रल हॉल में तो अगर कहीं भीड़ दिखाई पड़े तो लोग समझ जाते थे कि अरुण जेटली बैठे हुए होंगे, आधे से ज़्यादा पत्रकार और संसद सदस्य। और विनम्र, इसके अलावा कई स्टोरी अगर वहाँ बैठ जाए मैं ऐसे ही कहने लगता था, तो चाहे आप किसी गाड़ी का ब्रांड का नाम ले दीजिए उसका पूरा इतिहास बता देंगे, किसी फाउंटेन पेन का नाम ले दीजिए उसकी पूरी हिस्ट्री बता देंगे, किसी घड़ी का नाम ले दीजिए पूरा बता देंगे। बहुत बढ़िया शॉल पहन के आते थे। एक दिन मैंने कहा कि आप शॉल बहुत ही अच्छी पहनते हो, बोले हमें लगता है एक शॉल तुम्हें देने ही पड़ेगी। तो बड़ा उनके जाने से बड़ा दुख हुआ, और मैं सिर्फ श्रद्धांजलि ही अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन व्यथित बहुत हूँ उनके जाने से। राज्यसभा के लोग अगर निष्क्रिय होंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तो जो प्रधानमंत्री जी ने सेकेंडरी सदन की बात कही थी, तो जिस तरह से कभी कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को लॉर्ड सेकेंडरी चैम्बर कहते हैं, इस लॉर्ड सभा को, इस राज्यसभा को भी लोग सेकेंडरी चैम्बर कहने लगे। हम केवल उस सदन में क्या हो रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है। सही बात, राज्य हाउस ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका सबसे महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन के अलावा जो कार्य है वो राज्यों के हितों के, जो प्रतिनिधि जहाँ से आते हैं अपने राज्यों के हितों का संरक्षण करना देखना भी है। और राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए अगर उनको हाउस को रोकना पड़ेगा तो रोकेंगे ही। जनता की डिमांड ये होती है, जनता ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर राज्यों के खिलाफ कुछ हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सदन जो है, ये बिल्डिंग राज्यसभा नहीं है, यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करेंगे तो राज्यसभा का सम्मान बढ़ेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। इस बात का आप देखा कि प्रधानमंत्री के बोलते ही आधी बीजेपी चली गई, आधी नहीं 90%, 90%, उसके थोड़ी देर बाद सब चले गए। तो ये स्थिति धीरे धीरे लॉर्ड्स की होती जा रही है, क्योंकि चुनाव तो लड़के आना नहीं पड़ता है, एक पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है, किसी से वोट मांगना नहीं पड़ता है, पार्टी जिसको नॉमिनेट कर देती है राज्यसभा में आ जाते हैं। तो बैठे न बैठे लॉर्ड हैं सब। तो इस अगर ये यही रहेगा आचरण तो फिर कोई केयर करेगा भी नहीं, क्यों इज्जत देती जनता। सरकार बनाने बिगाड़ने का हाथ अधिकार उसको है, तो लोकसभा के सदन मेंबर का ज्यादा सम्मान होगा जनता में, आपका नहीं होगा अगर आप यहां अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत आदर्शवादी बात कहना कि बेल में न जाना,
रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि इस हाउस में सबसे ज्यादा बैल में अगर कोई गए हैं तो दोनों बड़ी पार्टियां ही गई। राइट, यही उपदेश देते हैं सबको, और यही जब विपक्ष में आ जाते हैं तो हाउस को पूरा पूरा सदन नहीं चलने देते, सत्र नहीं चलने देते। मैं तो आज से नहीं, 1992 से लगातार मेंबर हूं। एक बार केवल बीच में लोकसभा में चला गया था। दोनों सदनों का मैंने, मुझे अनुभव है। मैं जानता हूं कि किस तरह से हमेशा लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर मुझे पूरा मौका बोलने का दिया जाए तो कम से कम 2.5 घंटे बोलने का समय होना चाहिए, जो मैं लोगों को पढ़ा सकूं कि किस तरीके। मैंने तो एमए के क्लासेस को दसियों वर्ष ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को किस तरह से इवॉल्व हुआ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से, ये सारी संस्थाएं। हम क्यों स्पीकर कहते हैं? स्पीकर का मतलब अध्यक्ष तो होता नहीं, स्पीकर का मतलब चेयरमैन नहीं होता, बट ही इज स्पीकर। क्योंकि एक वक्त था जब स्पीकर की जान खतरे में होती थी, संसद वालों ने, कॉमनर्स ने कहा कि तुम अकेले जाओ, राजा से कहने हमारी बात। राजा निरंकुश था, प्रसन्न हो गया तो कोई बात नहीं, नाराज हो गया तो गला काट दिया, जेल में भिजवा दिया। तो ही यूज टू स्पीक टू द किंग ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड स्पीकर। अब वो सारी परंपराएं यहां हैं, और जिसका नाम लिया जाता था, बनना चाहता नहीं था, तो एक इधर से हाथ पकड़ लेता था, एक उधर से पकड़ लेता था, वहां बैठा लेता जाके। अब वो सम्मान की दृष्टि हो गई। वो सारी चीजें, परंपराएं, जो वैल्यूशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब हमारे यहाँ क्या, दुनिया भर में जहां भी संसदीय शासन प्रणाली है, वेदर इट इज कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, और तो ज्यादा नहीं है इस तरीके के, मुख्य रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन देशों में है लागू। तो ये सब है। तो इस वजह से हम उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहते हैं और न पूरी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है, ये चूंकि राज्यों की सभा है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, कई राज्य ऐसे हिंदुस्तान में हैं जिनमें बहुत कम जिनका रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में भी एक आध हैं और यहाँ भी एक हैं, दो हैं। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर है, कोई बात नहीं, लेकिन राज्यसभा में मेरा ये सुझाव है कि छोटे से छोटे राज्य का भी कम से कम 6 मेंबर राज्यसभा में आने चाहिए, ताकि हर साल, हर दूसरे साल 2 रिटायर होते रहें, लेकिन 6 मेंबर वहाँ रहें। हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का आदमी कोई खड़ा हो जाता है, अकेला हाउस में होता है, कोई सुनता नहीं है। अगर 4-5 हों तो अपनी बात कह सकते हैं, वे अपने राज्य की बात भी नहीं कह पाते हैं, शोरगुल में उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। और लोकसभा में भी तो, दूसरे सदन में तो और हालत खराब होती है, एक ही मेंबर है, 544 मेंबरों का सदन है, वो पीछे कह रहा है अपनी बात, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। जिस राज्य के ज्यादा मेंबर हैं, बस एक आध मिनट ही लूंगा, मैं ज्यादा कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मेरा बहुत ही ये कह सकते हैं लोग, नहीं साहब वहां से नागालैंड, वहां से मिजोरम से या नागालैंड से एक आदमी है लोकसभा में, तो 6 कैसे हो जाना चाहिए, ये कोई तर्क नहीं, राज्यों में से होना चाहिए। अगर हम दूसरी वे में देखें तो अमेरिका में सीनेट में कैलिफोर्निया से अगर 40 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं तो सीनेट में 2 आते हैं, और जिस राज्य से एक जाता है प्रतिनिधि सदन में, वहाँ से भी सीनेट में 2 जाते हैं, सब में 2 ही 2, 50 हैं, 100 मेंबर हैं। लेकिन ये एक तो मेरा सुझाव ये है कि छोटे, कम से कम मिनिमम सदस्य संख्या छोटे से छोटे राज्य की भी 6 होनी चाहिए, और जिन राज्यों में ऑड नंबर है, जो 3 से नहीं कट सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 हैं, 31 के बजाय 33 हों तो 11 के, अब 2 बार होते हैं 10-10 रिटायर, 1 बार होते हैं 11 रिटायर,
ये होना चाहिए। दूसरे स्टेट कुछ तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर ये कह दिया जाता है राज्य सूची का विषय है, महिलाओं का मामला है, दलित उत्पीड़न का मामला है, बच्चों का मामला है, इसको तो अलाउ कर देते हैं। लेकिन बहुत गंभीर घटनाएं केवल दूसरे वर्गों के लोगों पर भी होती हैं, अपर कास्ट पर ही होती हैं, मास किलिंग्स हो जाती हैं, कहीं राज्य का विषय है साहब नहीं उठा सकते आप। तो अगर राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो हर सब्जेक्ट गंभीर मामला अगर है तो यहाँ उठाने की इजाज़त होनी चाहिए। और तीसरी ये कि जुडिशरी पर भी चर्चा करने का अधिकार हम लोगों को, धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये धन्यवाद, दो सुझाव थे आपने और दे दिया, ताकि तमाम चीजें हो रही हैं वो यहाँ आ जाएं तो लोग सुने तो कि हमारे जज क्या कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, ऑलरेडी हो गया।